हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के पाइथन सिबॉन ट्यूटोरियल पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ सिबॉन लाइन प्लॉट। पाइथन सिबॉन ट्यूटोरियल पार्ट टू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको नंपाई, पांडास, उसके बाद आपको मैटप्लॉटलिब इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना पड़ेगा और इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। जब तक आप नंपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब के ऊपर जब तक प्रैक्टिकली वर्क नहीं करोगे तब तक आप सिबॉन को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ सकते। उसके बाद आपको पांडा सिबॉन ट्यूटोरियल के पार्ट वन को फॉलो करना है, नेक्स्ट पार्ट टू के ऊपर जंप करना है। अब हमें प्रैक्टिकल करना है तो हमें यूज करना है जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्यों यूज करते हैं? आप जब मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है कि हम जुपिटर नोटबुक का क्यों यूज करते हैं और उसको हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। आपने पार्ट वन को भी देख लिया होगा तो आपको पता है। तो यहाँ पे मैं जुपिटर नोटबुक को ओपन कर रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट विंडोज एस की को प्रेस करना है। उसके बाद आपको लिखना है जुपिटर। जब आपके सिस्टम में जुपिटर इंस्टॉल होगा तभी आपको ये जुपिटर नोटबुक आइकन मिलेगा। उसके बाद आपको इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। जैसे आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा तो इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो ML बिगनर टू प्रोफेशनल मैटप्लॉटलिब नंपाई एंड पांडास, इसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे ये फोल्डर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें सिबॉन के प्रैक्टिकल करने और सारे के सारे प्रैक्टिकल हमारे एक फोल्डर में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू इस बटन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें फोल्डर क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको डाउन में अनटाइटल फोल्डर इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ऊपर जाना है और रीनेम के ऊपर क्लिक करना है और इस फोल्डर का आपको नाम देना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ML अंडरस्कोर बिगिनर अंडरस्कोर प्रोफेशनल स्पेस और यहाँ पे हम लिखते हैं सिबॉन प्रैक्टिकल, क्योंकि हमें सिबॉन के प्रैक्टिकल इस फोल्डर में स्टोर करने हैं। उसके बाद हमें रीनेम के ऊपर क्लिक करना है और इस तरीके से आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इस फोल्डर के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पाइथन फाइल क्रिएट करनी है, पाइथन जुपिटर नोटबुक फाइल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद हमें क्लिक करना है पाइथन 3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम पाइथन 3 वर्जन यूज कर रहे हैं। और जैसे आप इस फाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरीके की फाइल एक क्रिएट हो जाती है। अब हमें यहाँ पे एक टाइटल देना है, पाइथन सिबॉन ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन सिबॉन ट्यूटोरियल और यहाँ पे हम लेते हैं पार्ट टू, राइट। और इसको हमें हेडलाइन देना है तो हेडलाइन के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पे जाते हैं कोड में और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हेडलाइन के ऊपर। उसके बाद हमें इस तरीके का पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे हमें ओके करना है और यहाँ पे बोलते हैं कि आपको हेडलाइन 1 चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंगल टाइम हैश लिखना है और आपको हेडलाइन 2 चाहिए तो आपको हैश 2 टाइम लिखना है। तो यहाँ पे हमें हेडलाइन 2 चाहिए तो यहाँ पे हम लेते हैं हैश 2 टाइम्स हैश और उसके बाद इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट रन बटन के ऊपर जाना है या आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, शिफ्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रन के ऊपर जाते हैं और इस तरीके से आपकी सेल रन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक दूसरा टाइटल देना है जिसका नाम है हाउ टू ड्रॉ सिबॉन लाइन प्लॉट, राइट। अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना है तो सेम हम क्या करेंगे, कोड में जाएंगे और कोड में जाने के बाद हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें ओके करना है, इस टाइटल को हमें हेडिंग 1 देना है तो यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट की का यूज करने वाला हूँ, शिफ्ट प्लस एंटर। और जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर बटन प्रेस करते हो तो क्या होता है, जो आपकी करंट सेल है ये एग्जीक्यूट होती है और उसके नीचे एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल को स्टार्ट करना है, हमें सिबॉन को यूज करना है तो सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके सिबॉन को इंपोर्ट करेंगे और उसके पहले आपके सिस्टम में सिबॉन पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल होनी चाहिए और इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं ये मैंने आपको पार्ट वन में बताया है। इस प्रोग्राम में हम सिबॉन को मैक्सिमम टाइम यूज करने वाले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका शॉर्ट नेम देंगे एस कीवर्ड का यूज करके, SNS, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो या आप सिबॉन को शॉर्टकट नेम ना देके डायरेक्ट सिबॉन वर्ड लिख सकते हो। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जब कोई भी लाइन एग्जीक्यूट होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें स्टार सिंबल लिखता है और जब स्टार सिंबल लिखता है तब आपको समझना है कि ये जो लाइन है मतलब जो सेल है वो
एग्जीक्यूट हो रही है, और जैसे ही वहाँ पे कोई नंबर आएगा तो उसका मतलब ये होता है कि जो सेल है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पे नंबर है 1, इस फाइल को आपको नाम देना है, तो आपको क्या करना है, ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो अनटाइटल, अनटाइटल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इस फाइल को जो भी नाम देना चाहते हो तो वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पाइथन सीबॉर्न ट्यूटोरियल, और यहाँ पे हम लेते हैं पार्ट 2, राइट। और पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सीबॉर्न लाइन प्लॉट। तो यहाँ पे हम लेते हैं सीबॉर्न लाइन प्लॉट, क्योंकि उसके नाम से हमें समझ में आना चाहिए कि जो पाइथन फाइल है, जो जुपिटर पाइथन फाइल है, उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इसको हम रीनेम करते हैं। तो रीनेम के लिए आपको क्या करना है, जस्ट रीनेम बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप आपके पाइथन फाइल का नाम चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो फाइल है, इस फाइल में जो हमें एडिटर मिला है, इस एडिटर की साइज कम है, तो इस एडिटर की साइज हमें बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, जो ये टॉप व्यू है इसको हमें हाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं और उसके बाद टॉगल हेडर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपका हेडर है ये हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो टूल बार है, इस टूल बार को मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको हाइड करना चाहता हूं, तो हम क्या करेंगे, फिर से व्यू में जाएंगे और उसके बाद टॉगल टूल बार के ऊपर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो टूल बार है ये हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, और इस प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले, लाइन प्लॉट को प्लॉट करेंगे। लाइन प्लॉट को प्लॉट करने के लिए हमने मैटप्लॉटलिब में देखा था कि मैटप्लॉटलिब में हम plt.plot फंक्शन का यूज करके हम किसी भी x एंड y एक्सिस डेटा लेके उसका हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो उस वक्त हम उस डेटा का यूज करके लाइन को प्लॉट करते थे। अब यहाँ पे आप सोच लोगे कि हमें मैटप्लॉटलिब के जगह पे सीबॉर्न को यूज क्यों करना है। तो चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैटप्लॉटलिब पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया था उस फाइल के ऊपर मैं लेके जाता हूँ। ओके, तो ये फाइल है, और इस फाइल में हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके के ग्राफ को हमें प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एंड वाई हमारे पास डेटा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लॉट फंक्शन का यूज करके इस तरीके के प्लॉट को हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, plt show इस फंक्शन का यूज करके हम इस प्लॉट को ब्यूटीफुल तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन सीबॉर्न में हम कम से कम फंक्शन का यूज करके इस तरीके के प्लॉट को हम प्लॉट करेंगे। तो चलो हम क्या करते हैं, इस डेटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। आप ये डेटा चाहते हो तो आपको क्या करना है, जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको वहाँ पे लिंक मिलेंगी, और उस लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको एक पोस्ट मिलेंगी, और जो पोस्ट है उस पोस्ट में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, और ऐसा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब हमें इस डेटा का यूज करके हमें लाइन को प्लॉट करना है, क्योंकि हमें टेम्परेचर एंड डेज में रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, SNS मतलब सीबॉर्न का लाइन प्लॉट, इस फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, लाइन को प्लॉट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सीबॉर्न का लाइन प्लॉट ये फंक्शन है, इस फंक्शन से ही हमें समझ में आता है कि इस फंक्शन का यूज करके हम लाइन को प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो फंक्शन है लाइन प्लॉट, इस फंक्शन को हम कितने तरीके के पैरामीटर दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट इस फंक्शन के पैरेंथेसिस में जाना है, या पैरेंथेसिस के लेफ्ट साइड में भी आ सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे आप शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करते हो तो इस तरीके का आपका हेल्प मोड ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बटन है इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो जो हमें हेल्प मोड में इंफॉर्मेशन मिलती है ये मैक्सिमम विंडो में हमें दिखना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो sns.lineplot जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम इतने ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं, और इस हर एक पैरामीटर के बारे में यहाँ पे आप स्क्रोल डाउन करोगे तो इंफॉर्मेशन मिलेंगी, और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के आप उस पर्टिकुलर पैरामीटर को इजी तरीके से यूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये सारे के सारे पैरामीटर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इस सेल में पेस्ट करता हूँ एज अ कमेंट करके। अब यहाँ पे आप देखते हो जो दो सेल है, इस दो सेल के बीच में मुझे नेक्स्ट न्यू सेल को इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट सेल है इस फर्स्ट सेल के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं बी की को प्रेस करूंगा, या आप जो सेकंड सेल है इस सेकंड सेल के ऊपर आपको सेल चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट इस सेल के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ए की को प्रेस करना है। तो चलो यहाँ पे मैं ए की को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नीचे वाली सेल थी उसके ऊपर एक न्यू सेल इंसर्ट हो चुके, और यहाँ पे मैं जो इंफॉर्मेशन है इसको एज अ कमेंट करके शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोट लिया, उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने हम ढेर सारे पैरामीटर का यूज करके लाइन प्लॉट को प्लॉट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक्स एंड वाई इस पैरामीटर को लूंगा। तो चलो यहाँ पे हम डाउन आते हैं और यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्स पैरामीटर, और एक्स पैरामीटर के ऊपर मैं डे को शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डेज, राइट, उसके बाद में कॉमा, और वाई एक्सिस पे मुझे लेना है टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डबल कोटेशन के अंदर टेम्परेचर, राइट,
ओके, अब इसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है, क्योंकि हमने मैटप्लोटलिब में देखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई वैल्यू देनी है plt.plot फंक्शन को, और उसके बाद वो फंक्शन हमें लाइन प्लॉट को प्लॉट करके दे देता है। तो चलो सेम तरीका हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करूंगा Shift+Enter। अब इस की को मैं बार बार नहीं बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट इसको एग्जीक्यूट करता रहूंगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक ब्यूटीफुल एरर मिल चुका है, और एरर को आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना है, जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे में आपको एरर का नेम मिलेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं वैल्यू एरर, और यहाँ पे एरर बोलते हैं कुड नॉट इंटरप्रिट इनपुट डेज। ये बोलता है कि जो डे है इस डे को हम समझ नहीं पा रहे। अब ये कौन से डे को, जो C1 का लाइन प्लॉट फंक्शन है उस फंक्शन में हमने एक पैरामीटर दिया था और उसको हमने डेज वैल्यू दी थी, तो इसको ये समझ नहीं पा रहा, क्योंकि जो C1 का जो लाइन प्लॉट फंक्शन है इसको हमें डेटा देना पड़ता है डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में। अब ये डेटा फ्रेम क्या है इसको मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसको आपको समझने के लिए पाइथन पांडास ट्यूटोरियल इन हिंदी इस सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, और इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, और आपने उस सीरीज को फॉलो कर लिया तो आपको पता है कि डेटा फ्रेम क्या होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक थर्ड पैरामीटर देना पड़ता है। कौन सा पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर। चलो इसको यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं, तो हमें वो पैरामीटर देना पड़ता है डेटा। कौन सा पैरामीटर, डेटा पैरामीटर देना पड़ता है। तो चलो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और फिलहाल यहाँ पे डेटा जो पैरामीटर है यहाँ पे वैल्यू है नन, और इसको हमें देना पड़ता है डेटा फ्रेम। और जब डेटा फ्रेम देंगे तो डेटा फ्रेम में से डेज एंड टेम्परेचर इस कॉलम को लेंगे, और उसके बाद उस डेटा को लाइन प्लॉट में प्लॉट करेंगे। फिलहाल हमारे पास कोई भी डेटा सेट नहीं है, तो यहाँ पे हमें डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीबॉन पाइथन लाइब्रेरी ये डेटा फ्रेम को लेके ही उसको प्लॉट करता है। तो यहाँ पे हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ temp_df मतलब टेम्परेचर डेटा फ्रेम और इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे pd.dataFrame इस फंक्शन का यूज करेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डेटा देना है। तो यहाँ पे मैं डेटा देना चाहता हूँ डिक्शनरी के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ डिक्शनरी, उसके बाद डिक्शनरी में मैं की लेने वाला हूँ, और वो की है डेज, राइट। और इसको हम वैल्यू देंगे, वैल्यू का देंगे डेज वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने लिस्ट ली है ये हम डेज वैल्यू देंगे, ये एज अ वैल्यू देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा कॉलम क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सेकंड कीज देंगे, और उसका नाम है टेम्परेचर, और उसके बाद हमें इसको वैल्यू देनी है, तो हम क्या करते हैं कोलन, और उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं इस टेम्परेचर को यहाँ पे पेस्ट करते हैं, राइट। इस तरीके से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डेटा फ्रेम है इस डेटा फ्रेम को हम एज ए डेटा करके सीबॉन लाइन प्लॉट को दे देंगे। तो यहाँ पे जो लाइन प्लॉट फंक्शन ये क्या करेगा, इस डेटा फ्रेम में से डेज को एज ए एक्स वैल्यू लेगा और टेम्परेचर को एज ए वाई वैल्यू लेगा। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है या एरर मिलता है। जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे हमें एरर मिला, हमें कोई भी लाइन प्लॉट नहीं मिला। तो चलो इस एरर को फिर से हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं नेम एरर, और नेम एरर में बोल रहा है नेम पीड इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये होता है कि हमने पांडाज को इंपोर्ट नहीं किया है। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पांडाज को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो हमें ब्यूटीफुल तरीके से जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें आउटपुट मिल चुका है। तो इस तरीके से आप लाइन प्लॉट का यूज करके इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो एक्स एक्सिस पे डे एक्स लेबल नहीं लिया था, और वाई एक्सिस भी हमने टेम्परेचर वाई लेबल नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक जो सीबॉन का लाइन प्लॉट फंक्शन है इसने ऑटोमेटिक एक्स एंड वाई एक्सिस को लेबल दे दिया है, और इसी को हम देखेंगे मैटप्लोटलिब में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक्स लेबल एंड वाई लेबल के लिए हमें एक्स लेबल एंड वाई लेबल इस फंक्शन का यूज करना पड़ा। तो ये डिफरेंस होता है सीबॉन एंड मैटप्लोटलिब में। और यहाँ पे आप चाहते हो जो हमें टेक्स्ट मिल रहा है इस टेक्स्ट को आपको हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं plt.show फंक्शन। इस शो फंक्शन से क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ मिलेगा, जो ये टेक्स्ट हाइड हो जाएगा। तो इस टेक्स्ट को हाइड करने के लिए हमने लिखा है plt.show फंक्शन, लेकिन जो plt है ये जो शॉर्ट नेम है हम यूज करते थे matplotlib.pyplot इस मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले matplotlib को इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें सेम एरर मिलेगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करके एरर को समझते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम एरर मिल चुका है, और एरर बोलता है नेम एरर plt इज नॉट डिफाइंड, मतलब हमने plt को डिफाइन नहीं किया, इसके लिए हमें matplotlib के पाई प्लॉट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, हालांकि हमें यहाँ पे आउटपुट मिल चुका है। तो चलो हम फिर से ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम इम्पोर्ट करते हैं matplotlib
डॉट पाई प्लॉट और इसको हम शॉर्ट नेम देते हैं एज अ पी एल टी। अब ये मैटप्लॉटलिब का पाई प्लॉट किस तरीके से वर्क करता है इसके लिए आपको पाइथन मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल इन हिंदी को फॉलो करना पड़ेगा, इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। तो चलो इनको हम इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद हम डाउन में जाते हैं और फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे हमें कोई टेक्स्ट नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ आउटपुट मिलेगा। अब हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि जो लाइन प्लॉट फंक्शन है इसको हम इतने ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं, लेकिन ये जो ढेर सारे पैरामीटर है इस पैरामीटर को आपको यूज़ करना है तो उसके लिए जो हमारे पास ये डेटा है इस डेटा का यूज़ करके मैं आपको सारे के सारे पैरामीटर एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है। तो उसके लिए हम रियल वर्ल्ड डेटा ले सकते हैं, जो डेटा फ्रेम है उसमें मैक्सिमम कॉलम रहेंगे, तो उस डेटा को यूज़ करके हम प्रॉपर तरीके से हर एक पैरामीटर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं कैगल से डेटा सेट लूंगा, उसके बाद उसको क्लीन करूंगा और क्लीन करने के बाद उस डेटा के ऊपर मैं सीबॉन के प्रैक्टिकल परफॉर्म करूंगा, लेकिन मैंने देखा कि जो प्रोसेस है बहुत लेंदी है और आपको समझने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। उसके अलावा भी हमें जो डेटा मिलने वाला है तो सिंगल डेटा में मैं आपको प्रॉपर तरीके से नहीं समझा सकता, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ क्रोम में और क्रोम में मैं क्या करूँगा गूगल में जाऊँगा और गूगल में लिखूंगा GitHub सीबॉन डेटा सेट और इसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप इस कीवर्ड से सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिलेंगी, इस फर्स्ट लिंक के ऊपर आपको जाना है और क्या करना है, यहाँ पे आपको ढेर सारा डेटा मिलेगा, इस डेटा का इस्तेमाल करके आप सीबॉन के ऊपर प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारे CSV फाइलें और जो ये CSV फाइलें ये फाइल डेटा फ्रेम में प्रॉपर तरीके से क्रिएटेड हो चुके हैं, इस फाइल का यूज करके हम सीबॉन के प्रैक्टिकल करेंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो फाइलें हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, डाउनलोड करने के बाद हमें उसको रीड करना पड़ेगा पांडास का इस्तेमाल करके, उसके बाद हम सीबॉन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आप नीचे जाओगे और जो read.md फाइल है इस फाइल को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे बोलते हैं seaborn.load_dataset, इस फंक्शन का यूज करके आप इसमें से किसी भी फाइल को डायरेक्ट आपका जो पाइथन फाइल है उसमें इस पर्टिकुलर डेटा सेट को आप इम्पोर्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टिप्स इस डेटा सेट को यूज करेंगे। अब ये टिप्स डेटा सेट में से आपको समझ में आ रहा है कि जो टिप्स है जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो और किसी बंदे को टिप्स देते हो और उसके बाद आपने कितना बिल पे किया उसका सेक्स क्या था, तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस फाइल में इस डेटा का यूज़ करके हम लाइन को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे आपको लिंक को नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे के सारे जो हमने प्रैक्टिकल किए और जो भी वेबसाइट की लिंक है एक पोस्ट में मिल जाएंगे। तो चलो हम फिर से जुपिटर के ऊपर जंप करते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, जो टिप्स डेटा सेट था उसको हमें यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं sns.load। और यहाँ पे भी आप सोचोगे कि यार हमें load_dataset इसको हमें मैनुअली टाइप करना है, तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो भी फंक्शन का यूज कर रहे हो उस फंक्शन के एक दो लेटर लिख लो, उसके बाद आपको टैब बटन को प्रेस करना है। जैसे आप टैब बटन को प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक जो फंक्शन उसका नेम आ जाता है या आपने जो भी फर्स्ट कीवर्ड डालेंगे उस कीवर्ड से स्टार्ट होने वाले ढेर सारे फंक्शन होंगे तो उनकी लिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको टैब बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं पैरेंथेसिस लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं शिफ्ट और टैब बटन को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, नेम कैशी डेटा होम इस तरीके के हम पैरामीटर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिलहाल इस नेम पैरामीटर का यूज करेंगे और नेम पैरामीटर को हमें वैल्यू देनी पड़ती है एज अ स्ट्रिंग करके, और स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे जो हमने डेटा सेट देखे थे उस डेटा सेट में से आपको कौन सा डेटा सेट चाहिए उस डेटा सेट का आपको यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल रहा हूँ टिप्स राइट, इस टिप्स डेटा सेट को मैं लोड करूंगा sns.load_dataset इस फंक्शन का यूज करके, और उसके बाद इस डेटा सेट को मैं एक वेरिएबल को असाइन करूंगा, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ tips_dataframe=। चलो इसको हम इम्पोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करने के बाद इसको हम देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ tips_dataframe। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस डेटा सेट को इम्पोर्ट कर चुके हैं और जो हमें डेटा सेट मिलने वाला है ये डेटा सेट ऑलरेडी डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस डेटा सेट को हम समझेंगे तो यहाँ पे हमें इंडेक्स मिला है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम है हमारा टोटल बिल, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो भी बंदा होगा उसने रेस्टोरेंट में कितना बिल दिया है इस बिल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे, उसके बाद है टिप्स उसने कितना टिप्स दिया मे बी ये जो इंफॉर्मेशन ये डॉलर में हो सकती है, थर्ड कॉलम है सेक्स मतलब मेल या फीमेल, नेक्स्ट है स्मोक जो भी बंदा है उसने स्मोक किया कि नहीं किया, डे कौन सी डे पे वो रेस्टोरेंट में आया था, नेक्स्ट है टाइम मतलब उसने डिनर किया कि लंच किया, और साइज साइज का मतलब ये होता है कि कितने बंदे गए थे मतलब कितने कस्टमर थे। अब इस डेटा का हमें यूज करके लाइन को प्लॉट करना है, तो लाइन को प्लॉट करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का डेटा होना चाहिए,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल बिल, टिप्स एंड साइज, ये 3 कॉलम में न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। तो इस डेटा को यूज करके हम देखेंगे कि जो टिप्स एंड बिल में क्या रिलेशन बनता है, टिप्स एंड साइज में क्या रिलेशनशिप बनता है, टोटल बिल एंड साइज में क्या रिलेशनशिप बनता है। तो इसको हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, SNS डॉट लाइन प्लॉट को यूज करना पड़ता है। तो चलो इसको हम स्क्रोल डाउन करते हैं, उसका आपको साइज देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका साइज है 24 रोज एंड 7 कॉलम। और इस डेटा सेट को आप छोटा करना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये जो डेटा सेट है आपको ये छोटा हो जाएगा। और इसको आपको साइज भी चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट टिप्स डॉट शेप इस फंक्शन का यूज करके भी आप इसका शेप देख सकते हो। और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिले टपल के फॉर्मेट में 244 7, मतलब रोज एंड कॉलम। अभी यहाँ पे हमें लाइन को प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल बिल एंड टिप्स इसमें हम रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, SNS डॉट लाइन प्लॉट, ओके। और यहाँ पे हम लेते हैं एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू हम क्या लेंगे, टोटल बिल्स। तो चलो टोटल बिल अंडरस्कोर बिल, ओके। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाई वैल्यू लेते हैं टिप्स, तो इसको भी आपको देना पड़ेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं दोगे तो आपको एरर मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे जो टोटल बिल यानी जो टिप्स है ये कौन से डेटा फ्रेम में, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा डेटा वेरिएबल और उसको हमें वैल्यू देनी पड़ेगी टिप्स डेटा फ्रेम। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप मिल चुका है, मतलब हमें लाइन प्लॉट मिल चुका है। इस लाइन प्लॉट से आप समझ सकते हो जो बंदा ज़्यादा बिल दे रहा है वो बंदा ज़्यादा टिप्स भी दे रहा है। तो इस तरीके से आप लाइन प्लॉट को प्लॉट करके उस डेटा से एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो टोटल बिल है उसको एज ए वाई लेते हैं, और जो वाई टिप्स है, वाई एक्सिस पे हमने जो टिप्स बताया था उसको हम लेते हैं एज ए एक्स एक्सिस में, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक्स एंड वाई, चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने लिया है एक्स एक्सिस पे टिप्स और वाई एक्सिस पे लिया हमने टोटल बिल। तो यहाँ पे भी जो हमें ग्राफ मिला है सेम मिल रहा है कि भाई जो बंदा ज़्यादा टिप्स दे रहा है वो बंदा ज़्यादा बिल भी दे रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं साइज। अब इससे हमें पता करना है कि भाई जो ज़्यादा बंदे आ रहे हैं तो वो ज़्यादा टिप्स भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस लाइन प्लॉट से हमें उतना प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप देखे तो टिप्स एंड साइज में कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है इसमें तो मुझे उतना प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आ रहा। तो आप क्या करो, जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये जो लाइन प्लॉट है उसमें टिप्स एंड साइज में कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है। अब यहाँ पे मैं फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और एक्स में मैं साइज लेता हूँ और वाई में लेता हूँ टोटल बिल। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं साइज एंड टोटल बिल में क्या रिलेशनशिप होता है। इस लाइन प्लॉट से आप समझ सकते हो कि रेस्टोरेंट में आपके साथ ज्यादा बंदे आ रहे हैं तो आपको ज्यादा बिल देना पड़ रहा है। इसको हम स्क्रोल अप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लाइन प्लॉट फंक्शन है इसको हम ढेर सारे पैरामीटर दे सकते हैं। तो ये सारे के सारे पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे आने वाले पार्ट 3 में, क्योंकि जो पार्ट 2 है बहुत लेंदी हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। इस ट्यूटोरियल को एंड करने से पहले हम देखते हैं कि पाइथन सीबॉर्न ट्यूटोरियल पार्ट 2 का मेन गोल क्या था। तो पार्ट 2 का मेन गोल ये था कि हाउ टू ड्रॉ सीबॉर्न लाइन प्लॉट, सीबॉर्न का यूज करके हम किस तरीके से लाइन प्लॉट को प्लॉट करें। तो सबसे पहले हमने सीबॉर्न को इंपोर्ट किया, पांडास को इंपोर्ट किया एंड मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया। नेक्स्ट हमने देखा कि जो सीबॉर्न का लाइन प्लॉट फंक्शन है इसको हम कितने तरीके के पैरामीटर दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये डेटा सेट लिया जो हमने मैटप्लॉटलिब के पार्ट 2 में डिस्कस किया था, और इस डेटा सेट को हमने पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो सीबॉर्न है ये सीबॉर्न डेटा फ्रेम को रीड करके ही उसको प्लॉट कर सकता है। उसके लिए हमने लाइन प्लॉट को डेटा फ्रेम दिया, और डेटा फ्रेम में से हमने एक्स एज अ डे दिया, वाई एज अ टेम्परेचर दिया। उसके बाद हमें इस तरीके से ग्राफ मिला। नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो डेटा सेट है इस डेटा सेट का यूज करके हम मैक्सिमम पैरामीटर को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, तो उसीलिए हमने क्या किया, गिटहब से डेटा सेट को लोड किया, और वहां से हमें डेटा सेट को लोड करना है तो हमने यहाँ पे यूज किया सीबॉर्न लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। इस फंक्शन का यूज करके हम गिटहब की जो सीबॉर्न रिपोजिटरी है उसमें से हम ढेर सारे जो डेटा फ्रेम है उसको हम डायरेक्ट लोड कर सकते हैं। उसको लोड करके हमने क्या किया, उसमें से टोटल बिल एंड टिप्स को एक्स एंड वाई करके प्लॉट किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, टिप्स एंड टोटल बिल में से रिलेशनशिप देखा, उसके बाद हमने टिप्स एंड साइज में रिलेशनशिप देखा, और उसके बाद हमने लास्ट में देखा साइज एंड टोटल बिल में रिलेशनशिप देखा। इस तरीके से हमने सीबॉर्न के लाइन प्लॉट के ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। अब मिलेंगे हम पाइथन सीबॉर्न ट्यूटोरियल पार्ट 3 में, और वहां पे हम सीबॉर्न लाइन प्लॉट को कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम मैक्सिमम पैरामीटर के ऊपर वर्क करेंगे। यहाँ पे आपको एक होमवर्क है, जैसे कि इस प्लॉट में आप देख सकते हो, इस प्लॉट में देखने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा
तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस प्लॉट को हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब इस प्लॉट की साइज हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करते हैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।